हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हैं। आज है 24 दिसंबर और आज हमारे प्यारे से बाबू, हमारे केशव बाबू का जन्म दिवस है। तो सुबह का भोग लग रहे हैं, आप दर्शन करिए आपके प्यारे से लाला का और आनंद लीजिए। सबसे पहले तो आज का बाल भोग में है माखन मिश्री, साथ में है दूध और केला। ये है सुबह का भोग दर्शन, साथ में आपके लाला के भी दर्शन। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे बाबू के लिए स्नान श्रृंगार करने का तैयारी में। और आप सभी बोल रहे थे ना जी, केशव बाबू का कितने साल के हो गए हैं, आपके बाबू कब आए थे आपके घर पे, सब डिटेल्स में बताते रहूँगे। केशव आज 2 साल का हो गए अपने घर में आके और हमें भक्ति प्राप्त में लाने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी मानसिक रूप में इस पल को एंजॉय करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए गोलू बाबू भी आज बहुत खुश है क्योंकि केशव भैया का जन्म दिवस है और आप सभी आ रहे हो ना केशव बाबू के जन्म दिवस में। ऐसे शरीर में ना आ सकते, मन में तो आ ही सकते आप और वीडियो के थ्रू आनंद लीजिए। चलिए अभी जल तैयार करते हैं सारे बच्चों का स्नान का। सबसे पहले तो हम जल ले लिया है, जल के अंदर दे दिया है शुद्ध जल जैसे गंगा मैया को, और फिर हमारे बाबू का जो अत्यंत प्रिय है वो है सुगंधित जल जैसे गुलाब का जल, चंदन का जल, अगुरु। अगुरु एक तेल की तरह होता है, वो थोड़ा सा देंगे तो खुशबू आते हैं बहुत सुंदर, और थोड़ा सा कपूर और चंदन। साथ में डाल रहे हैं फूल और थोड़ा सा एक हल्का सा सुगंध आते हैं ये वाला इत्र, वो भी डाली हूँ, और थोड़ा सा डाली हूँ मैं सूखा वाला जो चंदन है वो वाला, और एक तुलसी पत्ता। अभी बाबू का स्नान का पात्र तैयार हो रहे हैं, जैसे हमने जल तैयार कर लिया अभी स्नान का पात्र तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्नान के पात्र को धो के सूखा लिया है, उसके बाद फिर चंदन से ओम का आकार देंगे। आप चाहे तो उधर स्वस्तिक भी बना सकते हैं, हम ओम के आकार देते हैं, कभी कभी स्वस्तिक भी बनाते हैं, फिर तुलसी पत्ता चंदन और फूलों से उनका अभिषेक करके हम हमारे केशव बाबू को विराजमान करेंगे, क्योंकि केशव बाबू का आज अभिषेक होने वाले हैं। ऐसे भी सभी बच्चों का स्नान हो चुके हैं, सभी बच्चों का श्रृंगार भी हो गए, मैं सभी का वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ हमारे केशव बाबू का आज बहुत ही आनंदमय दिन है, तो हम उसी पल को एंजॉय करेंगे आप सभी के साथ। सबसे पहले हम विराजमान करेंगे हमारे नन्हे गोपाल को, फिर आरती करेंगे स्नान आरती। स्नान आरती करने के बाद फूलों से उनका अभिषेक करेंगे, फिर पंचमी से उनका अभिषेक करेंगे, दूध से उनको स्नान करवाएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के फिर उनका नया वस्त्र धारण करवाएंगे हम ठाकुर जी को, है ना। तो ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जपते हुए हम स्नान करवा रहे हैं, आप भी मानसिक रूप में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो बाबू का स्नान हो चुका है, मैं डिटेल्स में स्नान नहीं दिखाई, सब उनका अभिषेक दिखा दिया, फिर बाबू का शुद्ध जल से स्नान करवा के बहुत सुंदर से टावल से उनको पोंछ के फिर हम नया कपड़ा धारण करेंगे अभी करवाएंगे। अभी आप बोलोगे जे आप ऐसा क्यों पोशाक पहना रहे हो, देखिए हमारे बाबू बहुत छोटे हैं और छोटे बाबू को मुझे लगता है ऐसे ड्रेस बहुत सुंदर लगते हैं इसे पोशाक में। और दूसरी जो बात है कि नए कपड़े उनके पापा बहुत प्रेम से लेके आए हैं, और तीसरी जो बात है हमारे केशव बाबू के लिए धोती कुर्ता बनवाने दिया था तो वो अभी तक पहुँचे नहीं हमारे पास आके, अभी बाबू को नया कपड़ा दिलवाना है मतलब धारण करवाना है, और बाबू का नया आज जन्मदिन है तो नया तो वस्त्र पहनाना ही है, लेकिन इधर रेडीमेड इतने बड़े कपड़े पोशाक नहीं मिलते, तो हम इस तरह से छोटे बच्चों का 2 साल के बच्चों का जो कपड़ा मिलता है वो लेके आए हैं और बाबू को पहनाया है, फिर उनका श्रृंगार करवा रहे श्रृंगार किया है, जैसे उनका पगड़ी आज बांधे हैं केशव ने। केशव पगड़ी बांधने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या रोज डेली बेसिस में नहीं होता है, लेकिन आज तो स्पेशल डे है हमारे बाबू के लिए और हमारे लिए, तो हमने उनको पगड़ी बंधवाया है और साथ में उन्होंने देखिए इतना सुंदर श्रृंगार करवाया है, फिर लास्ट में इत्र लगाया, और अभी तक तो फूल नहीं आए, फूल आने के बाद फिर थोड़ा समय फूलों का भी श्रृंगार करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो ठाकुर जी के लिए भोग है वो भी बन रहे हैं रसोई में, आज तो चावल का खीर बनेगा। हमारे बंगाल में कभी भी अगर जन्मदिवस का उपलक्ष होता है, ये ठाकुर जी हो या मानव का हो,
लेकिन हम चावल का खीर जरूर लगाते हैं भोग में। तो आज हमारे केशव का प्रिय चावल का खीर बन रहे हैं, साथ में उनका सबसे फेवरेट जो है वह दही बड़ा, वो भी बन रहे हैं और बहुत सारे व्यंजन भी बन रहे हैं। तो मैं रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा रही हूँ क्या क्या बन रहे हैं वो बता दिया। चलिए आप डेकोरेशन करते हैं। तो रूम का ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है वो दीदी कर रहे हैं क्योंकि मैं रसोई संभाल रही हूँ और बाबू का तैयारी के साथ भी दे रही हूँ। श्रेयोनी दीदी कर रही है डेकोरेशन, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। और अभी फूल भी आ गए, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या फूल आए हैं। देखिए दुब्बा वगैरह लगेगा, तो ये सब मैंने रेडी कर लिया। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गुलाब का फूल आए हैं, और ये फूल का मुझे पता नहीं नाम, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए अभी डेकोरेशन चालू है, जैसे फूलों का तोरण वगैरह लगा दिया है, अभी थोड़ा बैलून वगैरह लगाएंगे क्योंकि जन्मदिवस है, हमारे बाबू का बर्थडे है, तो थोड़ा सा तो बैलून लगाना ही है ना। बच्चे छोटे हैं तो हम उसी तरह से ही मनाएंगे। अभी आप बोलोगे भगवान थोड़ी ऐसे मनाते, लेकिन देखिए हम बेटे मानते हैं और जैसे हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, हमारी इन बच्चों के लिए भी करना है। बच्चों को खुश हो जाते हैं ना जैसे छोटे छोटे चीज़ों से, तो वैसे ही बैलून वगैरह, चॉकलेट, केक, ये सब आनंदमय है बस, और कुछ लॉजिक नहीं है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, तो दो एक चीज़ बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे बच्चों के साथ। और बच्चे देखिए कितने आनंद से बैठे हैं और आप सभी से मुस्कुरा रहे हैं देख के। तो मेरा भोजन भी बन गया है, भोग भी बन चुके हैं और अभी मैं भोग भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम टेबल को थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। जैसे फूल आए हैं तो फूल का आसन बनाएंगे, थाली परोसेंगे, और उसके बाद बहुत सारे फूल हैं तो मैंने थोड़ा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। और जैसे भगवान को भोग लगाते हुए हमें सबसे पहले जो चीज़ है वो भगवान के भोगों में रखना चाहिए, वो है तुलसी। तुलसी मैया अर्पण करेंगे और चावल के ऊपर मैंने शुद्ध घी डाल दिया है, और फिर तुलसी मैया देके जल परोस सके हमने रख दिया है थाली। चलिए अभी बच्चों को निहार लेते हैं। दर्शन करिए आपके प्यारे से लाला, आपके प्यारे से गोले बाबू का, इधर रमन बाबू, कुंज बाबू, और इधर हमारे प्यारे से घनश्याम बाबू, इधर गोपू, गिरी, और ये जो हमारे बाबू येलो ड्रेस में है ना, ये काना है, ये हमारे केशव बाबू का शुभ सखाई। ये देखिए और भी सखाए है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे परी भी आए हैं, हमारे राडो रानी की सखी, तो सब मिलके बहुत आनंद ले रहे हैं। और पूजा कंप्लीट हो चुका है हमारा, चलिए अभी आरती करते हैं। महाआरती का आनंद लीजिए क्योंकि अभी भोग आरती हो रहे हैं, उसके बाद फिर भोग लगा के फिर मैं दर्शन करवाऊंगी आप सभी को। भोग आरती करने के बाद फिर हम भोग पाएंगे, बच्चों को थोड़ा सा शयन देंगे, फिर जो भी काम रहेगा शाम को कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद रात का तैयारी। रात को हम थोड़ा सा छोटा सा इंजॉय करेंगे, हमने दो एक भक्त को बुलाए हैं, अगर आ गए तो हम सभी मिलके उसको इंजॉय करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इतने सारे हमारे जो आए हैं सखा उनके साथ ही हम करेंगे सेलिब्रेट। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और अभी मैं जो फूल था बहुत सुंदर सुंदर, तो मैंने थोड़ा सा सोचा इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना फूल, देख के बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सोचा डेकोरेट कर लेती हूँ इस तरह से, और उसके बाद फिर जो भी काम है वो सब करेंगे। और आज ना सब कुछ कंप्लीट हो गया, मैंने रंगोली भी लगा दिया, जैसे कोई भी त्यौहार आते ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा रंगोली लगाएंगे तो त्यौहार त्यौहार लगते हैं, वो चाहे कोई दिवाली हो या हमारे बाबू का बर्थडे, तो मैंने मेन डोर में भी लगा दिया है। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही कुशल मंगल हैं। तो आज है हमारे प्यारे से केशव बाबू का जन्मदिवस, तो हम मना रहे हैं आप सभी के साथ, तो आप सभी होना हमारे साथ, बताइएगा कमेंट पे जरूर। और ऐसे तो केशव बाबू का जो बर्थडे है वो एकादशी के दिन था, तो इसीलिए हमने छोटा सा पुष्पल को एंजॉय किया है, लेकिन आज द्वादशी के दिन महाभोग आरती के साथ थोड़ा सा केक भोग लगा के हम बनाएंगे हमारे जन्मदिवस हमारे बाबू के साथ, है ना बाबू। तो सभी बच्चे अभी संध्या आरती का समय है, तो बच्चे हैं इधर देखिए, और थोड़े बाबू मुस्कुराहट तो देख लीजिए,
मैं इधर से दिखा रही हूँ तो केशव को मुस्कुराहट देखिए। और बहुत सारे और भी बाबू आए हैं, मैं सबके साथ परिचय करवा दूँगी आप सभी का। तो आपने बहुत बार शायद देखे भी होंगे, लेकिन अभी स्पेशली हमारे बाबू के बर्थडे में आए हैं बाबू के दो सखा से अभी। तो सभी के साथ बाद में मिलाती हूँ, क्योंकि अभी संध्या आरती के टाइम है। तो संध्या आरती कर लेते हैं, फिर बाबू को थोड़ा सा भोग लगा देते हैं, फिर हम जाएंगे केक लाने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ, फिर महाआरती होंगे, महाआरती के बाद रात का शयन भोग होगा। हरे कृष्ण संध्या आरती करने के बाद हम चले गए थे केक लेने, और हमारे बाबू का केक दर्शन करिए, बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ केक आ गया है। ये ऑर्डर पे बना गया है और बहुत सुंदर सा लग रहे है ना। मैंने तो बोली थी उनको शुद्ध केक बनाने के लिए, लेकिन कलर में तो थोड़ा केमिकल होता ही है, ये आप सभी को पता है। और ये आइसक्रीम केक है। अभी दीदी एक छोटा सा भेंट लेके आए हैं हमारे बाबू के लिए। भगवान को क्या है भेंट दे, लेकिन ये दीदी का मन है, दीदी का भाव है। चलिए अभी आरती करते हैं। राधे राधे भक्तों, तो दीदी ने बहुत सुंदर सा आरती भजन किया। अभी आइए हम आरती कर लेते हैं। माँ आरती करने के बाद फिर भोग लगेगा केक का, और मैं आपको केक ना नज़दीक से दिखाती हूँ। वो बहुत सुंदर सा केक बनवाया है हमारे प्यारे श्री केशव ने। तो ये है हमारे प्यारे श्री केशव बाबू का केक। इस बार का केक ना मटका शेप में आए हैं, ऊपर में बांसुरी है और मक्खन गिर रहे हैं। देखिए हमारे केशव बाबू का केक का बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। केशव बाबू तो बहुत खुश है। और ये पूरा आइसक्रीम वाला केक है, अंदर आइसक्रीम है और ऊपर मक्खन से क्रीम बनाया गया है। आप ज़रूर बताना आपको कैसे लगा हमारे प्यारे से केशव बाबू का केक। और केशव बाबू का मुस्कुराहट तो दर्शन करिए, कितना खुश हो गए, क्योंकि भक्तों आप जो आए हो दर्शन करने के लिए। तो अभी हम करेंगे टीका और उसके बाद केक का भोग लगाएंगे। तो आपके नाम का भी टीका मैं कर देती हूँ और फूल भी अर्पण कर देती हूँ, है ना। आप सब मानसिक रूप से उधर से करो, इधर मैं अपने हाथों से कर देती हूँ। फिर दीदी ने किया, सभी ने किया, और अभी आपको मिलाते हैं। बहुत सुंदर सा दो भक्त आए हैं, ये तो बाबा है केशव बाबू का, है ना। ये भी भक्त है, लेकिन आपको मिलाते हैं हमारे रिंकी मैया से। ये हमारे प्यारे से रिंकी मैया है, जो नोनी बाबू आए हैं ना उनके मैया, और उनके बाबा है। तो आपको बाबा से भी मिलाते हैं। तो अभी ये है हमारे नोनी बाबू के बाबा, तो वो भी आए हैं। सभी मिलके हमने टीका किया, फिर फूल अर्पण किया, तुलसी अर्पण किया, फिर हमने बहुत आनंद लिया। और अभी दीदी केक का भोग लगा के सारे बच्चों को केक खिलाएंगे, है ना। ये देखिए दीदी ने अभी केक का भोग लगा दिया, सारे बच्चों को केक खिला रहे। तो मैं भी खिलाऊंगी ना आप सभी का नाम का, आप टेंशन मत लो। आप मानसिक रूप से करो, हम वीडियो के थ्रू कर देते हैं आपके नाम का। देखिए आज सारे बच्चों को देखिए, ये देखिए जो घनश्याम के बाजू में बैठे ना, यही है हमारे प्यारे से कौन नोनी बाबू। और इधर हमारे छोटे छोटे और भी बच्चे आए हैं, सब बहुत सारे बच्चे आए हैं हमारे प्यारे से केशव बाबू के जन्म दिवस में। सभी केशव बाबू का सखा है। और देखिए दीदी ने ये क्या कर दिया, गालों में भी थोड़ा लगा दिया, क्योंकि जन्मदिवस है भाई, थोड़ा सा तो मस्ती मजाक चलेगा, है ना। कान्हा को देखो बांसुरी बजाते हुए कितना सुंदर लग रहे, और ना टीवी में बहुत सुंदर भजन चालू है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। जैसे आपको पता है अगर मैं शेयर करूँ तो कॉपीराइट आ जाएगा। और मैं आप सभी के नाम का केक हमारे पूरे ठाकुर जी को खिला दिया है, सभी बच्चों को खिला दिया है। तो सभी बच्चे बहुत खुश है। तो अभी रात का भोग लगेगा
पूड़ी, सब्जी और साथ में रसगुल्ला। और उसके बाद फिर बच्चों का श्रृंगार उतार के उनको सैन में दे देंगे। बाबा भी केक खिला रहे हैं भाई, देखो देखो कितना आनंद है। और ना भजन जब चालू होता है ना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, जैसे नाचने लगती हूँ। तो वो भी आपको दर्शन मिलेगा। तो क्या करें भाई, हम तो इसी तरह से आनंद लेते हैं। आप किस तरह से आनंद लिया इस वीडियो को ज़रूर बताना कमेंट के थ्रू। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर और भी अच्छा लगे तो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।